So what's up guys and welcome back to my channel with my new video. And guys, in this video I'm modifying the Hyundai Ion. This is for my subscriber and my follower. And guys, agar aap logo ko bhi aisi kuch ideas chahiye ya aisa kuch modifications chahiye apni gaadi pe apni bike pe, to aap log mujhe message kar sakte ho on Instagram and Facebook. Dono ke jo link hai niche description mein hai. And guys, saath hi saath mujhe follow bhi kar lena, because wahan pe aap logo ke liye wallpapers hai aapke phone ke liye and desktop ke liye. And guys, usi ke saath saath I just got my first tattoo. You can see this, my love and my dream. And guys, this tattoo is made by Firangi Tattoo Studio. And उनका भी जो website का link है ना, मैं नीचे description में दे रहा हूँ. अगर आपको उनका काम देखना है, तो देख सकते हो. काफी अच्छा काम है. So guys, that's it. Now it's time for the video. So without wasting your time, let's start this video. Guys, modification start करते हैं. I just change the color because my subscriber told me कि जो उसके पास गाड़ी है वो blue में है. So then I thought कि इस गाड़ी को भी blue रखें. And उसी के साथ साथ I just change the front grill. और जो grill है वो Hyundai की गाड़ी से ली है. और it's not that impossible. अगर तुम ऐसी grill को real life में अपनी गाड़ी में लगवाना चाहते हो, तो इतना कुछ मुश्किल नहीं है. Because जो फाइबर ग्लास है उससे ऐसी जो ग्रिल्स है, ऐसी कटिंग, जो ऐसा फ्रंट बम्पर आराम से बन जाएगा. बॉडी किट्स आराम से बन जाती है फाइबर ग्लास से, बट इट विल टेक टाइम और पैसा भी काफ़ी लग जाएगा. और यहाँ पे यू कैन सी आई एम जस्ट एडजस्टिंग द फ्रंट बम्पर. उसमें कर्व्स दे रहा हूँ, उसमें काफ़ी चीज़ें मैं एडजस्ट काफ़ी चीज़ें यू नो ब्राइटनेस बढ़ा रहा हूँ, शेडोज डाल रहा हूँ कि वो थोड़ा रियलिस्टिक लगे. और गाइज, ये जो फ्रंट बम्पर है काफ़ी मुझे इस गाड़ी पे काफ़ी यू नो अच्छा लग रहा है. जो स्टॉक बम्पर था उससे तो काफ़ी यू नो हटके है. एंड नाउ आई एम जस्ट रिमूविंग द अनवांटेड इमेजेस जो मुझे चाहिए नहीं इसके विंडशील्ड पे, इसके साइड डोर्स पे, बिकॉज मैं लास्ट में इनके जो साइड डोर्स है और जो विंडशील्ड है उसको मैं थोड़ा बहुत टिंटेड करूँगा. एंड गाइज, सेकेंड चीज़ जो इसमें मैंने इंस्टॉल की है वो इसकी बॉडी किट, जो साइड फेंडर्स वो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं. और सेम गाइज, ये भी इतना इम्पॉसिबल नहीं है, बट अगर कोई रियल लाइफ में ऐसे साइड फेंडर्स अपनी गाड़ी पे इंस्टॉल करने वाला है, तो प्लीज़ इस एक चीज़ का ध्यान रखना, बिकॉज जो टायर्स है वो आपके बाहर गाड़ी से थोड़े बहुत निकलेंगे एंड देन ये फेंडर्स आएंगे, तो उससे आपकी माइलेज पे थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है. एंड देन गाइज, एज यू कैन सी आई जस्ट गेव दिस कार ए डबल टोन कलर, ब्लैक और ब्लू का जो मैचिंग है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है. और उसी के साथ साथ जो फ्रंट लिप मैंने इसमें लगाया है वो एक थोड़ा बहुत JDM लुक दे रहा है इस गाड़ी पे. एंड द कार इज लुकिंग सो गुड. 50% ऑफ द वर्क इज नाउ कंप्लीटेड. अगर कोई ऐसी गाड़ी भी रखना चाहता है विदाउट द स्पॉइलर, तो काफ़ी अच्छी लगेगी. एंड नाउ जस्ट गिविंग सम फाइनल टचअप्स टू द फ्रंट, क्योंकि फ्रंट का काम यहाँ पे हो गया है. और जो फॉग लाइट्स है वो मैंने स्टॉक ही रखी है, बिकॉज उसमें कुछ चेंजेस मैं कर नहीं सकता. और इतना चेंजेस अगर तुम गाड़ी में कराओ तो योर कार विल लुक सो अगली. मॉडिफिकेशन करवाओ बिल्कुल, एक 50-50 करवाओ, बिकॉज अगर ज़्यादा करवाओगे तो कार काफ़ी गंदी लगेगी, और कम करवाओगे तो वो तो है ही फिर. सो गाइज, यहाँ पे माय वर्क इज़ ऑलमोस्ट फिनिश्ड. अब जो इसमें है थोड़ा बहुत डिटेलिंग वर्क है, जहाँ जहाँ पे ब्राइटनेस डालनी है, जहाँ जहाँ पे शेडोज डालनी है, वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ. एंड क्वेश्चन एक ही उठता है कि ऐसी मॉडिफिकेशन क्या लीगल है या इलीगल है, तो मैं तो बोलूँगा कि दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इज़ लीगल, बिकॉज यार इसमें हमने कुछ ज़्यादा चेंजेस किया नहीं. जो कार का कलर है वो हमने कार का कलर वही रखा. वी जस्ट चेंज द टायर्स एंड उसमें जो स्पॉयलर्स है वो मैंने यहाँ पे बस यू नो इंस्टॉल किए हैं. और साइड बाय साइड जो कलर है वो डबल टोन कलर है, पर इट्स नॉट इलीगल, बिकॉज इलीगल जो मॉडिफिकेशन होती है वो है पूरा तुम गाड़ी का जो हुलिया है, जो फेस है, वो पूरा चेंज कर दो, तो वो चीज़ इलीगल में आ जाता है. पर यहाँ पे वी जस्ट एड द थिंग्स इन द कार, तो वो चीज़ इसमें इलीगल नहीं है. सो मैं सच बता रहा हूँ कि अगर ऐसी गाड़ी रियल में होगी तो 100% द कार विल लुक सो ऑसम. सो गाइस, दैट्स इट. अब जो इसमें है बैकग्राउंड मैंने लगा दिया है, तो बैकग्राउंड के आगे मैं कुछ दिखाऊंगा नहीं, बिकॉज आप लोग बोर हो जाओगे. सो नाउ इट्स टाइम फॉर द फाइनल इमेज, एंड द फाइनल इमेज ऑफ दिस कार इज दिस. सो गाइस, दिस इज द फाइनल इमेज, एंड एज यू कैन सी द कार इज लुकिंग सो ऑसम. मुझे इसमें इस गाड़ी में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, इसका जो फ्रंट जो मैंने नया ग्रिल लगाया है वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है. और साइड बाय साइड जो पूरा बैकग्राउंड है बिल्कुल मैच कर रहा है. ऑल ओवर द कार इज लुकिंग सो ऑसम. आप लोग मुझे बताओ कि कैसी लगी मॉडिफिकेशन इन द कमेंट सेक्शन. और इसी का एक वॉलपेपर मैं जल्दी ला रहा हूँ, जो कि इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे डालूंगा. एंड अगर वो डाउनलोड करना हो तो आप लोग मुझे फॉलो कर लो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे. और साइड बाय साइड गिव मी योर फीडबैक्स अबाउट द मॉडिफिकेशन गाइज, कि कैसी लगी कैसी नहीं. सो गाइज, दैट्स इट. नई वीडियो जल्दी आने वाली है. टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड पीस आउट.